और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर एक शख्स की रात करीब 8 बजे हत्या कर दी गई। मकतूल इंडिया गेट पर आइसक्रीम बेचने का काम करता था। आइसक्रीम वेंडर का कत्ल क्यों हुआ और किसने किया, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के बीच पैसे मांगने को लेकर कोई तनाजा हुआ था। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से कातिल का सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गेट के सामने ये बड़ा वाकया सामने आया और एक आइसक्रीम वाले का कत्ल यहां पर कर दिया गया है। इंडिया गेट के आउटर सर्किल पर इस शख्स की हत्या की गई। 8 बजे करीब रात का ये मामला बताया जा रहा है। इंडिया गेट पर आइसक्रीम बेचने का काम करता था ये शख्स, जिसका कत्ल किया गया है। आइसक्रीम वेंडर का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, किस वजह से ये जो पूरी घटना है ये सामने आई है, ये फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों के ही बीच कुछ पैसे मांगने को लेकर तनाजा हुआ था, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि आइसक्रीम वाले का कत्ल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से कातिल का सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया गेट के सामने ये वाकया देखने को मिला है हमें कल रात करीब 8 बजे, जब एक आइसक्रीम वाले का कत्ल यहां पर कर दिया गया है। लेकिन असली वजह क्या रही इस वाकये के पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वो कौन था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ऐसे सामने आ रहा है कि पैसे को लेकर कुछ तनाजा हुआ था दोनों के ही बीच में, जिसके बाद इस आइसक्रीम वाले का कत्ल कर दिया गया है। और सीसीटीवी के जरिए कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की, कि आखिर हुआ क्या कुछ था।